नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। श्रेया आत्महत्या मामले पर कहा परिजनों को जरूर मिलेगी न्याय, न्यायालय अभी है। भाजपा कार्यालय पर भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने उक्त बातें एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। चिल्ड्रेन कॉलेज में छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाबत सांसद निरहुआ ने कहा कि छात्रा के परिजनों को न्याय मिलेगा, अगर पुलिस अपना काम सही से नहीं किया है तो न्यायालय अभी है। पत्रकारों द्वारा चिल्ड्रेन गर्ल्स कॉलेज की छात्रा की आत्महत्या के मामले में परिजनों द्वारा न्याय के लिए किए जा रहे संघर्ष के बाबत सांसद निरहुआ ने बताया कि घटना की जानकारी हमें हुई, काफ़ी दुख हुआ। हम बस यही कहेंगे कि युवा पीढ़ी, छात्र या कोई भी हो, अगर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत हो तो जान देने का फैसला ना ले। अगर परिजनों को ये लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और पुलिस द्वारा सही तरीके से काम नहीं किया गया है तो आगे न्यायालय है, वह पीड़ित परिजनों से मिलेंगे, जो संभव सहायता होगी वह की जाएगी। उन्होंने बताया कि जानकारी मिली है कि पीड़ित परिजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं, अब उनको जरूर न्याय मिलेगा। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। हाँ, मेरे संज्ञान में भी ये बात आई। परिवार बहुत दुखी है, परिवार दुखी है और कोई भी परिवार दुखी होगा। जिस परिवार में एक बेटी की मौत हो जाए तो उस परिवार पे क्या बीतेगी हम सब समझ सकते हैं। अब वो जांच का विषय है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति थी कि जिसमें वो बच्ची ने ऐसा कदम उठाया। हालांकि मैं तो पूरे देश के सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि कारण कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, पर कोई कारण इतना बड़ा नहीं होता है जिसके वजह से हम अपना जीवन ख़त्म कर दें। तो बहुत दुखद घटना है और मुझे लगता है उसकी पूरी तरह से जांच हो और पता चले कि उसके पीछे सच क्या है, और अगर कोई दोषी है तो उसे सज़ा भी होनी चाहिए। और अगर परिस्थिति ऐसी हो कि जिस परिस्थिति में बच्ची ने अपने मानसिक हालत को नहीं संभाल पाया, अगर ऐसे में हुआ हो तो वो भी लोगों को पता चलना चाहिए, परिवार को पता चलना चाहिए, समाज को पता चलना चाहिए, सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि आखिर क्या स्थिति थी। तो उसके विषय में मैं तो आज अभी आया हूँ, सदन चल रहा था उसके बाद अभी आजमगढ़ आया हूँ, तो इसके विषय में SP साहब से और DM साहब से बैठ के बात, निश्चित रूप से जाएंगे। पीड़ित परिवार उस उनके दुख में शामिल होना ये तो सबसे जरूरी है। अच्छा, पीड़ित परिवार का सीधा आरोप था कि सरकार ने जो शासन की कार्यशैली पे ही कहीं कहीं सवालिया निशान खड़ा। कोई भी आरोप है परिवार का तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे, और मुझे लगता है कि किसी को भी किसी भी प्रक्रिया के खिलाफ अगर शंका होती है तो उसके खिलाफ उसको जाने का है प्रावधान है, और अगर परिवार को ऐसा कुछ लग रहा है तो उसके खिलाफ चैलेंज कर सकते हैं और चैलेंज करेंगे, और निश्चित रूप से जो भी सच है वो सामने आएगा। माननीय योगी जी से मैं कह रहा हूँ कि महाराज जी से मिले हैं तो अपना तकलीफ बताई होंगे, और उसके बाद भी अगर उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी तो वो न्यायालय भी जा सकते हैं, न्यायालय जाने के बाद न्याय मिलेगा निश्चित रूप से। अगर देखिए, न्यायालय इसीलिए होता है कि कोई एक प्रक्रिया चल रही है और उससे अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम उसके खिलाफ चैलेंज कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी जांच में चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी। अभी हम लोग अभी बात करेंगे ऐसा क्यों हुआ, उससे वो भी जांच का विषय है, और निश्चित रूप से अगर परिवार महाराज जी से मिला है तो ये बात उन्होंने ज़रूर रखा होगा महाराज जी के सामने, और उसके बाद क्या महाराज जी ने कहा वो भी हम उनसे जानेंगे, उनसे मिलेंगे, मिलके हम समझेंगे कि क्या पूरी प्रक्रिया क्या हो रही है और महाराज जी ने क्या कहा। आप परिवार की बात महाराज जी तक पहुंचाएंगे? वो खुद ही पहुंचाने की नहीं आवश्यकता है, क्योंकि पीड़ित परिवार खुद ही मिल चुका है, उनको बता चुका है। अब पीड़ित परिवार से मिल के हम जानेंगे कि मतलब महाराज जी से उनकी क्या बात हुई, आगे की क्या प्रक्रिया है और क्या करना है, हमारी क्या उनको मदद हो सकती है, वो हम करेंगे। ठीक, कौन जुलूस निकालेंगे ताकि हमारे समाज में जो बच्चे हैं, जो बेटियां हैं, जो भारत माँ के दो टुकड़े हो गए, उस दिन को कभी नहीं भूलेंगे,
और अपने आने वाली पीढ़ी को भी उसके विषय में बताएंगे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।